अमेरिकी साइंटिस्ट स्पेस से सुनामी का पता लगाने वाले एक नए मॉनिटरिंग सिस्टम की टेस्टिंग कर रहे हैं। इस सिस्टम का नाम गार्डियन रखा गया है। इसे पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर में टेस्ट किया जा रहा है। इस इलाके में 750 से ज्यादा सुनामी आ चुकी है। जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के साइंटिस्ट के मुताबिक गार्डियन का पूरा नाम GNSS अपर एटमोस्फेयर रियल टाइम डिजास्टर इंफॉर्मेशन एंड अलर्ट सिस्टम है। ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और सैटेलाइट से मिले रियल टाइम डेटा के मुताबिक काम करता है। समंदर के अंदर भूकंप, जमीन धंसने या ज्वालामुखी फटने से जब बड़ी तेज हलचल होने लगती है तो उसमें तूफान जैसा उठता है। इससे लंबी और बहुत ऊंची लहरों का उठना शुरू हो जाता है। इन्हीं लहरों को सुनामी कहते हैं। ये लहरें जबरदस्त तेजी के साथ आगे बढ़ती हैं। कई बार इनकी स्पीड 800 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। गार्डियन सिस्टम को पुराने वार्निंग सिस्टम के एडवांस रूप की तरह देखा जा रहा है। ये सुनामी आने से पहले डिस्प्ले हुई हवा और आयनोस्फीयर से टकराने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करता है। आयनोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। दरअसल जब लहरें उठती हैं तो हवा का एक हिस्सा डिस्प्ले हो जाता है। डिस्प्ले हुई ये हवा लो फ्रिक्वेंसी साउंड ग्रेविटी वेव्स के रूप में फैल जाती है। नासा का कहना है कि ये वेव्स और चार्ज पार्टिकल नेविगेशन सैटेलाइट के सिग्नल को तोड़ देते हैं। इन बदलावों को ही अलर्ट की तरह देखा जा सकता है। जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के साइंटिस्ट लियो मार्टायर ने कहा, सिग्नल के टूट जाने को हमने सैटेलाइट की कमी के तौर पर नहीं देखा, बल्कि इसे हम प्राकृतिक खतरे के अलर्ट डेटा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ये अब तक सबसे तेज मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये आयनोस्फीयर से टकराने वाले चार्ज्ड पार्टिकल को ऑब्जर्व करने के 10 मिनट के अंदर अलर्ट जारी कर देगा। रिंग ऑफ फायर ऐसा इलाका है जहां कई कॉन्टिनेंटल के साथ ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है, सुनामी उठती है और ज्वालामुखी फटते हैं। इस रिंग ऑफ फायर का असर न्यूजीलैंड से लेकर जापान, अलास्का और उत्तर और साउथ अमेरिका तक देखा जा सकता है। दुनिया के 90% भूकंप और 78% सुनामी इसी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आती हैं। ये क्षेत्र 40,000 किलोमीटर में फैला है। दुनिया में जितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं, उनमें से 75% इसी क्षेत्र में हैं। रिंग ऑफ फायर का असर 15 देशों जापान, रूस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पेरू, इक्वाडोर, चिली और बोलीविया में है।